हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशन के लेक्चर टू की। ओके बेटा, ग्रेविटेशन के लेक्चर टू में हम लोग बात करेंगे केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन की और न्यूटन ने किस तरीके से केपलर के लॉ से इनवर्स का फॉर्मूला लाया। ठीक है, बट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो बात की थी वो थी न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। न्यूटन का एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ था, उसको हम लोगों ने देखा था, उसकी वैल्यू में देखा था। एक बार उसको रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए कि जी, कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है बेटा, दैट इज 6.67 इनटू 10 टू द पावर माइनस 11 यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके बेटा, ये चीज हमेशा रिमाइंड आपको रखनी चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है या फिर इसका रिलेशन क्या होता है, ये चीजें हमेशा आपको कंटिन्यू डेली बेसिस पे रिवाइज करना चाहिए ताकि आपके दिमाग से चीजें उतरे ना और एग्जाम टाइम में आपके ऊपर कोई भी बर्डन ना आए। ओके बेटा, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक रेगुलर रिवीजन की प्रैक्टिस डालें। आइए बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, दैट इज द सेकंड लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग पहले बात कर लेते हैं केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन की। केपलर ने प्लेनेट मोशन को लेकर तीन बेसिक लॉ दिए, ठीक है, लेकिन इन्होंने थ्योरी नहीं दे पाए। ये अपने एक लॉ तो दिए लेकिन ये इसको बहुत ज्यादा डिफाइन या थ्योरी नहीं दे पाए थे। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो इनका जो केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन को अगर हम लोग देखेंगे तो इनका सबसे पहला लॉ, इनका केपलर फर्स्ट लॉ स्टेट दैट, इनका पहला लॉ क्या कहता है, द प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद द सन एट वन ऑफ द टू फोकी ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब आपको फिगर दिख रहा होगा, ठीक है, कि यहां पर कह रहा है कि जो सन के अराउंड, यानी कि एक तरीके से अगर हम किसी भी प्लेनेट का मोशन देखें तो वो एक परफेक्ट सर्कुलर मोशन नहीं होता है, वो एक एलिप्टिकल पाथ होता है, यानी कि वो बीच में थोड़ा सा चपटा और किनारों पर थोड़ा सा बाहर की तरफ, यानी कि ये एक एलिप्टिकल पाथ है, इसका परफेक्ट कोई एक सेंटर नहीं होता है, जो भी सेंटर हम लेते हैं एवरेज लेते हैं। तो यहां पर कह रहा है द प्लेनेट मूव्स इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट, तो अगर कोई प्लेनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट पर है तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि उस प्लेनेट के पास, उस ऑर्बिट का, एलिप्टिकल पाथ का दो सेंटर यानी कि दो फोकी होगा, एक F1 होगा और एक F2 होगा, और सन जो है वो किसी पर्टिकुलर दोनों में से किसी एक फोकी पर प्रेजेंट होता है, चाहे वो F1 पर हो चाहे वो F2 पर हो। तो यानी कि सन की जो पोजीशन होगी वो रिगार्डिंग टू एक फोकस पॉइंट हम मानेंगे, उसी पॉइंट पर सन की पोजीशन होती है, यानी कि एलिप्टिकल पाथ के दो फोकी होंगे और उन दोनों में से किसी एक पॉइंट पर सन प्रेजेंट होगा। कोई भी प्लैनेट, द प्लैनेट्स मूव्स इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद द सन एट वन ऑफ द टू फोकी, दोनों फोकी में से किसी एक फोकी पर सन प्रेजेंट होगा। तो अगर आप यहां देखेंगे कि ये प्लैनेट है, ये अराउंड द सन एक इलिप्टिकल पाथ, ये एक इलिप्टिकल पाथ आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, इस इलिप्टिकल पाथ में दो फोकी है, एक फोकी ये, एक फोकी ये है, इन दोनों में से कहीं एक सन होगा, तो यहां पर F1 के पास हमारा सन को क्या कर दिया है, ये बना दिया है। ये F2 पर भी हो सकता था, तो F1 F2 कोई मतलब नहीं है, क्या है क्या नहीं है, बस ये हमको मालूम है कि ये दो फोकी हैं और इन दोनों फोकी में से किसी के भी पास, यानी कि कहीं भी सन की पोजीशन किसी एक जगह होगी, दैट इज द फर्स्ट लॉ। ठीक है, क्योंकि जो मोशन होता है वो इलिप्टिकल पाथ पे होता है। ठीक है बेटा, तो केपलर ने पहला लॉ ये दिया। केपलर का दूसरे लॉ का स्टेटमेंट क्या था देखते हैं, कह रहा है द केपलर सेकेंड लॉ स्टेट दैट ईच प्लैनेट, हर एक प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन सच अ वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, दैट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे यहां देखिएगा इस फिगर में आपको समझाते हैं कि मान लीजिए ये प्लैनेट है, प्लैनेट की पोजीशन पहले यहां थी, दैट इज ए, यहां पर दिखाई दे रहा है दैट इज पोजीशन ए, ये प्लैनेट स्वीप करके यहां तक आया, दैट इज पोजीशन बी, तो इसको पर्टिकुलर कुछ टाइम लगा होगा, जैसे मान लीजिए टी ले लेते हैं, दैट इज टाइम टेकन टी। ठीक है, अब हम प्लैनेट मान लीजिए घूमते घूमते यहां आया, अब हमने एक पोजीशन ले ली ए डैश और ये ले ली बी डैश, यहां पर भी इसको जो टाइम लग रहा है बेटा यही टाइम लग रहा है टी डैश, ये टी टाइम यहां पर भी लगा और सेम यही टाइम यहां पर भी लगा, तो वही कह रहा है अराउंड द सन इन सच अ वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, अब इसकी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के बीच की एक लाइनिंग हम लोग मिलाते हैं और ये जो एरिया बनता है यहां पर, दैट एरिया, ये जो एरिया यहां पर बन रहा है
ये एरिया किसी भी पोजीशन से सेम टाइम पर, ठीक है बेटा, एक सेम टाइम इंटरवल में जो एरिया स्वीप करता है किसी भी पोजीशन पे, यानी कि ये एरिया, ये दोनों एरिया क्या होंगे बेटा, आपस में इक्वल होंगे। तो मान लीजिए एक एरिया मैं यहां ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए एक यहां पर है और दूसरा यहां पर है, तो ये मैंने मान लिया पोजीशन ए और ये मान लिया मैंने पोजीशन बी, तो यानी कि यहां पर भी जो एरिया आएगा बेटा, यहां पर टाइम कितना लग रहा है, सेम है, जो टाइम यहां लग रहा है वही टाइम यहां लग रहा है और वही टाइम यहां लग रहा है टी, तो यहां पर भी जो एरिया आएगा बेटा वो इनके और इनके और इनके इक्वल आएगा, सेम एज अगर मैंने इस साइड में कहीं ले लिया, दैट इज पोजीशन ए दैट इज पोजीशन बी, तो यहां पर भी जो एरिया निकलेगा, टाइम देखिएगा यहां टाइम की बात हो रही है, टाइम एकदम सेम रहेगा, यहां पर भी जो एरिया निकलेगा बेटा वो सारे एरियाज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि अगर सेम टाइम पीरियड में जो एरिया स्वीप करता है ये, उसको वो एरिया हमेशा इक्वल आता है, ठीक है, वही कह रहा है बेटा यहां पर, फिर से देखिएगा क्या कह रहा है, द ईच प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन सच अ वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट टू द सन स्वीप ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो अगर इसका मतलब हम यहां पे एक चीज और देख सकते हैं कि जब सन के पास में प्लेनेट होता है तो वो ज्यादा फास्ट मूव करता है, ठीक है, जब सन के पास में प्लेनेट होता है तो वो ज्यादा फास्ट मूव करता है, और सन से दूर जब प्लेनेट होता है तो उसका मोशन थोड़ा सा स्लो डाउन होता है, ठीक है बेटा, ओके आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर कह भी रहा है कि अ प्लेनेट डज नॉट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड अराउंड द सन, कोई कांस्टेंट स्पीड नहीं होती क्योंकि सन के पास स्पीड बढ़ जाती है और सन से दूर इसकी स्पीड डिक्रीज करती है, द स्पीड इज ग्रेटर व्हेन द प्लेनेट इज नियरर द सन, जब सन के नियरर होता है तो स्पीड ज्यादा होती है, एंड लेस व्हेन द प्लेनेट इज फर्दर अवे फ्रॉम द सन, इज दैट क्लियर बेटा, दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ओके बेटा। थर्ड लॉ को देखते हैं बेटा, केपलर्स थर्ड लॉ स्टेट दैट द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन। अब थोड़ा सा इसी फिगर में मैं बताता हूं आपको, देखिएगा सन एक इलिप्टिकल, जो भी प्लेनेट होता है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पे होता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, कोई एक कॉमन एक एवरेज सेंटर हम मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये एवरेज सेंटर है, तो ये सेंटर है और यहां पर यानी कि सन की पोजीशन यहां मानते हैं और एक एवरेज रेडियस हमको मिलती है, तो वो मीन जो डिस्टेंस है वहां पे, इसीलिए कह रहा है द मीन डिस्टेंस, यानी कि क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, टाइम टेकन, अगर सन पूरा सन के अराउंड प्लेनेट पूरा राउंड लगाते हैं तो उसके टाइम स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि आर क्यूब, मैं इसको और क्या लिख सकता हूं बेटा, देखिएगा आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म आएगा, क्या आ जाएगा बेटा, एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, यानी कि आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म आएगा, और ये था हमारा थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, वो भी किसका, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, और इसी थर्ड लॉ का यूज करके न्यूटन ने अपना इनवर्स स्क्वायर रूल निकाला जिसमें वो ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड करते हैं, ओके बेटा। अब हम थोड़ा सा उनको भी देखते हैं कि कैसे उन्होंने ये काम किया, आगे आते हैं, यहां कह रहा है न्यूटन गॉट द आइडिया ऑफ द इनवर्स स्क्वायर रूल, उन्होंने इनवर्स स्क्वायर रूल का आइडिया कैसे गेट किया, फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज बाई अप्लाइंग केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर के थर्ड लॉ से उन्होंने इनवर्स स्क्वायर का रूल फॉलो किया ग्रेविटेशन के लिए, टू द ऑर्बिट ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन, आगे कह रहा है एन इंपॉर्टेंट एजम्पशन मेड फॉर दिस पर्पस इज दैट ऑर्बिट ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन इज सर्कुलर। अब यहां पर एक जो एजम्पशन लिया गया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कि मान लिया गया कि वो एलिप्टिकल की जगह सर्कुलर है और उसकी रेडियस मीन हम लोगों ने निकाली, न्यूटन्स डेराइव द इनवर्स स्क्वायर रूल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स एज फॉलो, कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया, आइए हम लोग भी कैलकुलेट करके देखते हैं। कह रहा है कंसीडर ए प्लेनेट ऑफ मास एम, मान लेते हैं
प्लेनेट का मास क्या है m, जो कि कांस्टेंट है। मूविंग विद अ वेलोसिटी, उसकी स्पीड है v, अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, ऑर्बिट क्या है r, रेडियस। अ सेंट्रीपिटल फोर्स f एक्ट ऑन द ऑर्बिट प्लेनेट ड्यू टू द सन विच इज गिवन बाई f। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या क्या लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा स्पीड। स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पर दिया है वेलोसिटी, यानी कि स्पीड के लिए वेलोसिटी लिख लो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ये सर्कुलर मोशन है, प्लेनेट सर्कुलर मोशन करें तो टोटल डिस्टेंस कितनी चलते हैं बेटा, सर्कमफेरेंस वाला फॉर्मूला लगाओ तो क्या होता है 2 पाई आर अपॉन टाइम, कैपिटल टी, टाइम टी लग रहा है उसे। ओके बेटा, ओके। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, याद रखना फोर्स इज इक्वल टू एम ए नहीं लगाना है, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, क्या लगाते हैं mv स्क्वायर अपॉन r। अब यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, v की जगह v की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं f इज इक्वल टू m v स्क्वायर, यानी कि 2 पाई r अपॉन t, इसका होल स्क्वायर कर देंगे बेटा एंड अपॉन r। तो जब हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया m इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर। ठीक है, और ये t नीचे चला जाएगा तो t स्क्वायर अपॉन r, तो ये एक r से एक r कैंसल होगा और यहां आएगा r, तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 4 m पाई स्क्वायर इंटू आर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इस आर को आर क्यूब बनाना है, तो हमने ऊपर नीचे आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लिया। तो जब हमने आर का मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या हुआ, तो जब हमने आर का मल्टीप्लाई किया तो हो गया एफ इज इक्वल टू 4 एम पाई स्क्वायर। अब आर का मल्टीप्लाई जब आर स्क्वायर से करेंगे बेटा, दैट इज बिकम आर क्यूब, क्या हो गया आर क्यूब अपॉन, आर को यहां लिख देते हैं स्क्वायर को और टी स्क्वायर को यहां लिख देते हैं, ये मल्टीप्लाई में हुआ। अब देखिएगा आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म होता है अकॉर्डिंग टू द केपलर्स थर्ड लॉ, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर ये कांस्टेंट टर्म है, अगर ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको हम गायब कर सकते हैं, तो f इज इक्वल टू 4 m पाई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब देखिएगा बेटा यहां पर एक चीज और कि 4 एक नंबर है जो कि कांस्टेंट है, m मास है प्लेनेट का वो भी कांस्टेंट, और पाई एक वैल्यू है ये भी कांस्टेंट है, यानी कि ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर ही एक पूरा कंप्लीट कांस्टेंट है, यानी कि 4 m पाई स्क्वायर इज अ कांस्टेंट टर्म। अगर ये भी एक कांस्टेंट टर्म है तो भैया फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट टर्म हटा देते हैं 1 अपॉन, अब कांस्टेंट टर्म हटाएंगे तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा एक बार के लिए यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ दो कांस्टेंट ले रहे थे तो उसको नहीं चेंज किए, यहाँ चेंज कर देते हैं अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर के फॉर्मूले को ड्राइव किया था बाई द हेल्पिंग ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ। तो आपको दिख रहा है कि यहां पर केपलर्स थर्ड लॉ का यूज करके न्यूटन ने क्या किया बेटा, अपना इनवर्स स्क्वायर के रूल को फॉलो किया और यहां पर इनवर्स स्क्वायर का रूल आया। और इनवर्स स्क्वायर का रूल कैसे आता है ये आपको पता चल गया, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे, विदाउट प्रैक्टिस सब कुछ बेकार हो जाएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं इसके रिगार्डिंग कि आप भी उसको प्रूफ करके दिखाइए कि किस तरीके से न्यूटन ने केपलर्स के थर्ड लॉ का यूज करके इनवर्स स्क्वायर फॉर्मूला लाया, तो आप यहां पर प्रैक्टिस जरूर करेंगे बेटा। ठीक है, आगे देखिएगा, बात कर लेते हैं फ्री फॉल की। फ्री फॉल क्या होता है बेटा, फ्री फॉल का मतलब बेटा अगर हम किसी भी बॉडी को एक पर्टिकुलर हाइट से ऐसे रिलीज करते हैं तो होता क्या है, वो ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ मूव करता है भाई, अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स उसे अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो जब वो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से अर्थ की तरफ गिरता है, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्री फॉल। देखिएगा क्या कह रहा है,
फ्री फॉल, द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए हाइट टूवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, विद नो अदर फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, इज कॉल्ड फ्री फॉल। जब भी कोई बॉडी अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स किसी पर्टिकुलर हाइट से रिलीज करोगे तो वो टुवर्ड्स द अर्थ की तरफ क्या होती है, फॉल करती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है बेटा। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं, कह रहा है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द फॉलिंग बॉडीज। अब अर्थ का जब ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी पर लग रहा है तो कॉज ऑफ फोर्स उस बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा, तो एक्सेलरेशन जो उस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, कह रहा है इन द फॉलिंग बॉडीज, बॉडी कुछ भी हो, उसका मास कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर बॉडी का मास कुछ भी हो लेकिन अगर वो टुवर्ड्स द अर्थ मोशन स्टार्ट कर चुकी है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कॉन्स्टेंट होगा। यही कह रहा है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज द सेम फॉर ऑल बॉडीज एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द फॉलिंग बॉडीज। यानी कि कोई भी हैवी मास या लाइट मास के ऑब्जेक्ट को अगर नीचे गिराओगे तो अर्थ के थ्रू उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और उसमें जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है वहां पर, यानी कि एक्सेलरेशन जो जनरेट होता है वो क्या होता है बेटा, सेम रहता है हर एक बॉडी के लिए, वो मास की वजह से डिफर नहीं होता। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास की वजह से डिफरेंट नहीं होती, हर एक बॉडी सेम तरीके से एक्सेलरेट करती है। तो अगर हर एक बॉडी सेम तरीके से एक्सेलरेट करती है तो यानी कि दोनों बॉडी साथ में जमीन पर गिरेंगी। तो मान लीजिए कि आपके पास एक हैवी बॉडी है यहां पर और यहां पर आपने एक छोटी बॉडी ले ली है, ठीक है, ये दो बॉडीज हैं आपके पास। अब यहां पर हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस, ये एक हैवी बॉडी है कैपिटल एम, ये एक स्मॉल बॉडी है स्मॉल एम। तो जब ये टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ छोड़ी जाती है, फ्री एकदम रिलीज कर दी जाती है, तो इनपे मास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि अर्थ का सरफेस इनके ऊपर एक फोर्स लगाता है और उस फोर्स की वजह से ये दोनों नीचे आती हैं और वो फोर्स फिक्स है और वो फोर्स क्या हो जाता है, उस फोर्स की वजह से इनमें एक एक्सेलरेशन आता है और वो एक्सेलरेशन फिक्स होता है और उसी एक्सेलरेशन से दोनों नीचे की तरफ आएंगी। एक्सेलरेशन सेम होगा, दोनों बॉडी सेम एक्सेलरेशन, ठीक है, सेम एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिरती हैं, यानी कि एक साथ गिरती हैं, इन पर मास का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इज दैट क्लियर बेटा? याद रखिएगा इन पर मास का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया भी है और इस पर मास का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आइए बेटा, फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही है, एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो हमने बात की बेटा केपलर्स के प्लेनेटरी मोशन की। तो सबसे पहला प्लेनेटरी मोशन का जो स्टेटमेंट था, सबसे पहला लॉ था, वो ये था कि सन के अराउंड प्लेनेट एक इलिप्टिकल पाथ में राउंड करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं, एक तरीके से इलिप्टिकल पाथ पे मोशन करते हैं, और उस इलिप्टिकल पाथ की दो फोकी में से किसी एक फोकी पर सन प्रेजेंट होता है, दैट इज द फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ हमने देखा कि प्लेनेट अगर रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, दो अलग अलग पोजीशन में जो वो एरिया स्वीप करता है, वो फिक्स टाइम इंटरवल में एरिया जो स्वीप करेंगे वो इक्वल एरिया स्वीप करते हैं। लेकिन हमको इस मोशन से ये भी पता चलता है इस लॉ से कि जब अर्थ सन के पास होता है तो वो एक कॉन्स्टेंट, यानी कि उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है मोशन करने की, यानी कि अराउंड द सन कोई भी प्लेनेट कॉन्स्टेंट स्पीड से मोशन नहीं करता, जब वो सन के पास आता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और जब वो सन से दूर जाता है तो उसकी स्पीड डिक्रीज कर जाती है। दैट्स वाइज वो जो एरिया स्वीप करते हैं इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल होता है। फिर आता है केपलर थर्ड लॉ। केपलर के थर्ड लॉ का स्टेटमेंट सिंपल था कि जो एक एवरेज मीन हम डिस्टेंस लेते हैं फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट, यानी कि एक एवरेज रेडियस लेते हैं, उस रेडियस का क्यूब उस कंप्लीट राउंड को एक कंप्लीट सर्कुलेशन मोशन करने में जो टाइम पीरियड लगता है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ केपलर प्लेनेटरी मोशन। ये तीन लॉ उन्होंने दिए।
अब इस तीसरे लॉ का यूज करके न्यूटन ने अपना इनवर्स स्क्वायर का लॉ ले आया और वहीं से उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को फाउंड किया। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे फाउंड करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले आप स्पीड लेते हैं, क्या लेंगे बेटा, सबसे पहले देखिएगा स्पीड लेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड की वैल्यू वी। सर्कुलर पाथ है, याद रखिएगा सर्कुलर पाथ हमने मान लिया तो 2 पाई आर अपॉन टी, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन टी, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। और कॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, वी की वैल्यू रखते हैं और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। अब हमको यहां पर आर को आर क्यूब बनाना है क्योंकि हमें कहां जाना है बेटा, केपलर्स लॉ पर। तो आर क्यूब बनाने के लिए हमने आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो हमारे पास फॉर्मूला आया आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, और ये एक कांस्टेंट टर्म होता है तो इसको हम हटा देंगे, कांस्टेंट टर्म का कोई मतलब नहीं है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट लाइन में आता है 4m पाई स्क्वायर, 4 एक नंबर है, कांस्टेंट है, m मास है वो भी कांस्टेंट हो गया, और क्योंकि मास कैन नेवर बी चेंज, और पाई ये भी हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, ये कंप्लीट कांस्टेंट टर्म है, तो यहां से इस कांस्टेंट टर्म को भी हटाएंगे तो इसका मतलब अब यहां पर कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो कि कांस्टेंट है, तो यहां पर इक्वल टू का साइन चेंज करके प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे और हमारे पास एक इनवर्स स्क्वायर का फॉर्मूला यानी कि लॉ आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर का लॉ दिया, प्रोड्यूस किया। ओके बेटा, फिर फ्री फॉल को हम लोगों ने देखा जिसमें हम लोगों ने बात की कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो मास पर डिपेंड नहीं होता। ठीक है बेटा, फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे बेटा, बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक आप मन लगा के पढ़िए। अगर आपको ड्यूरिंग द लेक्चर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आगे कमेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, बाय बाय।